हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोगों का डिस्कशन, पूरा डिस्कशन होगा किस बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेबर लॉस के बारे में। और लेबर लॉस में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में आया था ये एक्ट। होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड होता है, होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। एंड ये एक्ट में ओरिजिनली देयर वर 15 सेक्शंस। छोटा एक्ट है, सेक्शंस भी कम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या होता है सर? ग्रेच्युटी जो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड ग्रेच्युटास, जिससे निकला है। दिस मीन्स ए गिफ्ट और प्रेजेंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट क्यों देगा? गिफ्ट देने का पर्पस है कि एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक काम किया, एक स्पेसिफाइड टाइम तक काम किया है, और या तो अब वो रिटायर हो रहा है या सुपर एनुएशन हो रहा है। सुपर एनुएशन मींस रिटायरमेंट की एज आ गई है और अभी उसे रिटायर होना पड़ेगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट। या हम कह सकते हैं डेथ या रेजिग्नेशन भी हो सकता है। तो इन सारे केसेस में जब कोई एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को जॉब छोड़कर वहां से जा रहा है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से उसे जो गिफ्ट मिलता है मॉनेटरी फॉर्म में, दैट गिफ्ट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। राइट, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक्ट कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देखिए, सबसे पहले इस एक्ट में लिखा हुआ था सर्टेन स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स। स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल 100% होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। इन्हीं एस्पेक्ट्स को मैं अभी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। पहला पॉइंट आया, फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। अब फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री? ये फैक्ट्री वही है जो फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइंड है, और वो फैक्ट्री जिसमें विद द एड ऑफ पावर 10 लोगों ने काम किया हो, या विदाउट द एड ऑफ पावर 20 लोगों ने किसी भी एक दिन काम किया हो, उसे हम फैक्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। विद द एड ऑफ पावर एंड विदाउट द एड ऑफ पावर, इन दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है सर? देखिए, विद द एड ऑफ पावर का मतलब है कि अगर वर्कर्स मैनुअली काम ना करके मशीन्स की हेल्प से काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग यूनिट है और वहां न्यूज़पेपर मशीन से निकल रहे हैं, तो ये हो गया विद द एड ऑफ पावर। लेकिन एग्जाम्पल अगर हम ले हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री का, तो हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो मैनुअली काम करते हैं, उन्हें हाथ से काम करना होता है, एंड दे वर्क विदाउट द एड ऑफ पावर। तो 10 विद द एड ऑफ पावर एंड 20 विदाउट द एड ऑफ पावर। अगर 10 से कम काम कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर 20 से कम काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उस फैक्ट्री के ऊपर। तो अगर यहां वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट्री, सो दैट मींस 10 और 20 एज द केस मे बी। दूसरा पॉइंट, ये एक्ट माइन पे भी एप्लीकेबल होता है। राइट, तो माइन पे भी इस एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया गया। इसके अलावा ऑयल फील्ड के ऊपर भी इस एक्ट को एप्लीकेबल किया गया। ऑयल फील्ड वो जगह जहां से पेट्रोल निकलता है, नेचुरल गैसेस निकलती हैं, उस जगह को हम ऑयल फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई का एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, जो पेट्रोलियम साइट है जहां से पेट्रोल निकलता है, तो वहां जो वर्कर्स काम कर रहे हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इसके साथ साथ प्लांटेशन, और प्लांटेशन में भी स्पेसिफिकली कौन सा? अगर कॉफी, शुगर, टोबैको इनका काम हो रहा है, तो वो भी इस एक्ट में कवर होंगे। इसी के साथ साथ एक वर्ड लिखा हुआ है यहां, मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट का क्या मीनिंग होता है? देखिए, इंडिया में पोर्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज में डिवाइड करने का जो रीजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि पोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है कि पोर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और डिवाइड करने का पर्पस ये था। और पोर्ट क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होता है, तो पोर्ट के ऊपर लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, और उसके अलावा देयर आर मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स। जो मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल कांडला पोर्ट जो गुजरात में है,
कांडला पोर्ट के ऊपर लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, और जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का राइट उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स को है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स को माइनर पोर्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट है, लेकिन मेजर पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो जितने भी इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं, कितने नोटिफाइड मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, देर आर 13 नोटिफाइड मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि एक्ट रेलवे कंपनी के भी ऊपर एप्लीकेबल होगा। रेलवे कंपनी ये कौन सी कंपनी है? ये रेलवे कंपनी वो कंपनी है जो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 में डिफाइंड है। तो इंडियन रेलवे का एक एक्ट था जो 1890 में आया था, उसमें रेलवे कंपनी की डेफिनेशन है, और उस रेलवे एक्ट के सेक्शन 3 में रेलवे कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज ए रेलवे कंपनी, और ये कंपनी कंपनीज एक्ट में बनी हुई कंपनी है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको रेलवे कंपनी का। तो रेलवे कंपनी हम कहां से देखेंगे? इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 3 में जो रेलवे कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है, उससे रेलवे कंपनी बोलेंगे। और उसका एग्जांपल कौन सा है? कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, जो कंपनीज एक्ट में बनी हुई एक रेलवे कंपनी है। ये रेलवे कंपनी का काम क्या होता है? इंडियन रेलवेज के लिए काम करना, जितने भी रिलेटेड वर्क इंडियन रेलवे के लिए परफॉर्म करना है, इनमें से कुछ काम रेलवे कंपनीज को मिल जाता है। खैर, अब आगे जरा बात करते हैं कि रेलवे कंपनी के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी और एस्टेब्लिशमेंट है जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है? तो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट, कोई अगर शॉप है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि 10 और मोर persons आर एम्प्लॉयड, या तो काम कर रहे हो और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। एक भी दिन अगर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय ने काम कर लिया तो उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट क्या हो? वो एस्टैब्लिशमेंट हो शॉप और एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट दो तरह की होती है, एक होती है फैक्ट्री जिसमें प्रोडक्शन होता है, लेकिन एक एस्टैब्लिशमेंट वो भी होती है जिसमें प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा लेकिन जिसमें सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन अगर उसमें भी किसी भी एक दिन 10 एम्प्लॉयज ने काम कर लिया, 10 फुल टाइम एम्प्लॉयज ने काम कर लिया, तो हम क्या बोल देंगे? उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया। अब जरा ये बात करते हैं कि एक पॉइंट इस एक्ट में और देखा था कि नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं इनके अलावा अगर गवर्नमेंट को किसी और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल करना हो तो गवर्नमेंट इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? उस एस्टैब्लिशमेंट में 10 और मोर persons आर एम्प्लॉयड प्लस नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। कुछ एस्टैब्लिशमेंट ऐसे भी होती हैं जिसे स्टार्टिंग में इनिशियली इस एक्ट में कवर नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इस एक्ट में उन एस्टैब्लिशमेंट्स को कवर कर लिया गया जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अगर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एक और एग्जाम्पल, सॉलिसिटर्स ऑफिस। एक और एग्जाम्पल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट का। एंड इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें यह कहा गया था कि मंदिर में काम करने वाला पुजारी भी ट्रस्ट से ग्रेच्युटी क्लेम कर सकता है इफ ही इज एंटाइटल्ड। अगर उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है तो ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ग्रेच्युटी। तो इस पूरे वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है ये किस तरह की एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आने वाले वीडियोस में हम दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में कुछ और प्रोविजन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।